प्रिया धीर रुकर दे दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ फिर सड़कों पर अभिभावक डीपीएस के सामने प्रदर्शन। दिल्ली में कोरोना पर बोले सीएम केजरीवाल, घबराने की आवश्यकता नहीं, जरूरत के मुताबिक उठाएंगे कदम। पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह की आतंकवाद पर पाक पीएम को नसीहत, नियुक्ति पर शुभकामनाएं दी। दिल्ली के आनंद पर्वत की कठपुतली कॉलोनी में लगी भीषण आग, कई घर चपेट में आए। यूपी में कोरोना केस आने के बाद नोएडा के दो और गाजियाबाद का एक स्कूल हुआ सप्ताह भर के लिए बंद। एनटीपीसी में दूसरे चरण के लेवल 4 से 6 की परीक्षा 9-10 मई को, लेवल 2-3-5 के लिए करें इंतजार। महाराष्ट्र में विक्रांत जहल धोखाधड़ी मामले में किरीट सौम्या के घर पहुंची ईओडब्ल्यू टीम। उत्तरी कश्मीर से लश्कर के 3 आतंकी हथियार सहित हुए गिरफ्तार। तिरुमला मंदिर में भगदड़, 3 लोग हुए जख्मी। झारखंड रोपवे हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ खत्म, 3 लोगों की हुई मौत, बाकी सभी को बचाया गया। अरुणाचल प्रदेश की एयर टर्बाइन फ्यूल पर वैट 20% घटाकर 1% किया गया। सिद्धू मूसेवाला ने इशारों में पंजाब की जनता को कहा गद्दार, सोशल मीडिया पर हो रहा है विरोध। गुजरात दंगा मामले में सुनवाई तक हार्दिक पटेल की सजा पर लगी रोक। पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ ने सप्ताह में 2 सार्वजनिक छुट्टियों पर लगाई रोक। आर्थिक मंदी के बीच श्रीलंका हुआ डिफॉल्टर, $51 बिलियन का कर्ज चुकाने से चूका। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।